तो ये जो मंदिर बनाया हुआ है अपना मुंबई माता का, ये किसने, आपने बनाया या आपने खुद ने बनाया है? वाह भाई वाह, तो ये भाई हैं। अच्छा क्या नाम, आप आपकी जाति कौन सी है? काम जी नाम है कोली जाति। कोली जाति है, अच्छा आपके कोई इंडिया में माइट वगैरह है? नहीं है, रिश्तेदार है? कौन है? ये देखें दोस्तों, वाह 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 वाह, कितना बड़ा मंदिर बना हुआ है दोस्तों, मुंबई माता का दोस्तों, ये देखें। और इसके साथ ये देखें दोस्तों, वाह जय श्री कृष्णा दोस्तों। अच्छा जो कृष्णा जन्माष्टमी आती है उसी पे यही मूर्ति आप मतलब जो रास वगैरह करते जो अपना। नमस्कार, जय श्री राम गाइस, कैसे सब बड़े होंगे दोस्तों, एक न्यू वीडियो में वेलकम करता हूं गाइस, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना दोस्तों। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि वीडियो में क्या देखा था क्या नहीं देखा दोस्तों, ठीक है? तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा दोस्तों। तो जैसे कि हमें किसी भाई ने बताया कि यहाँ से एक तकरीबन 10-20 किलोमीटर यहाँ से दूर है एक गाँव बना हुआ है, वहाँ पर रहते हैं हमारे कांजी भाई, जो हिंदू भाई हैं गाइज, वहाँ पे जो पुजारी हैं उस मंदिर के पुजारी के पूजा भी करते हैं। तो दोस्तों वो है मंदिर है मुंबई माता, मुंबई माता बोलते हैं और हगत बोलते हैं गाइस, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है कि गांव के हम जो पाकिस्तान के अंदर लोग जो उसको बोलते हैं हगत भी बोलते हैं और मुंबई माता बोलते हैं, लेकिन इसको इंडिया में ज़्यादा मुंबई माता ही बोला जाता है दोस्तों, ठीक है? इसकी जो सवारी है वो है ऊँट की सवारी दोस्तों। तो जैसे कि हम आज का आपको वीडियो के थ्रू दिखाएंगे दोस्तों, तो हमें किसी भाई ने भी बताया था कि उसका जब कांजी भाई का घर देखेंगे बिल्कुल गरीब फैमिली से दोस्तों, उसकी जो कुटिया है बनी हुई है उसके अंदर वो पूरी फैमिली रहती है, जैसे हम तो कुटिया भी बोलते हैं और उसको उताक बोलते हैं दोस्तों, उताक बनी हुई है उसी के अंदर वो रहता है, लेकिन उसने जो मंदिर बनाया हुआ है इतना ज़्यादा खर्चा किया है दोस्तों, बिल्कुल यार मानना पड़ेगा, ठीक है? तो जैसे कि अभी उसी भाई के थ्रू हम आज जा रहे हैं उसी गाँव के अंदर दोस्तों, वीडियो को एंड तक जुड़े ना, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना दोस्तों, और कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना कि ये आपको मंदिर कैसा लगा और कहाँ कैसा नहीं लगा दोस्तों, और साथ में साथ ये भी बता देना कि हमारे आप लोग वीडियो कौन सी सिटी कौन सी कंट्री से देखते हैं दोस्तों, ठीक है? सो बिना कंसर के चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों। वो हनुमान का मंदिर है के सामने, गुजरात में जो बहुत बड़ा, अच्छा बड़ा मंदिर है जी भाई। कहाँ से रास्ता है? रास्ता यहाँ से या पल्ली तरफ से? तो ये भाई बैठे हैं, पहले तो भाई राम राम, क्या नाम है आपका? प्रताप भाई। और आपका भाई? राजमहल। वाह भैया, ये भाई की परचून की शॉप है, छोटी सी चीज़ वगैरह बेचते हैं ऐसे ना? तो भाई बैठे हैं, भाई से बातचीत करेंगे। खाना वगैरह खा रहे हो क्या? कह रहे हो भाई जी। अच्छा खाना खा रहे हो, फिर ऐसे बैठे हो? जय राम राम भाई, कैसे हो? ठीक है। कैसे चल रहा है आपका काम? सही है। अच्छा ये कितने घर होंगे तकरीबन यहाँ पे अपने हिंदू भाई के? 250 हो गए। 250 घर हैं, सारे बम्बू में बने हुए हैं जी हाँ। वाह, तो गाइज ये देखें हमारे यहाँ पे, तो देखें दोस्तों ये पापड़ कुछ इस तरह से मिलते हैं, पता नहीं वहाँ पे तो अदर कंट्री में कैसे मिलते हैं, और ये रंग बिरंगे, ये देखें गाइज ये पापड़ बने हुए यहाँ पे, और ये देखें ये चिप्स वगैरह भी हैं दोस्तों, ये बच्चे हैं छोटे बच्चे शौक से खाते हैं, हम भी कभी कभी खा लेते हैं भाई ऐसे ना, हाँ इसका जायका भी अलग है इस वजह से ना। अच्छा इसमें बेस्ट क्वालिटी कौन सी है? फास्ट मिल ज़्यादा चलता है, फास्ट मिल वो ज़्यादा लेगा, बच्चे वगैरह उसको जाम खाते हैं ऐसे ना। तो गाइस ये थी भाई की दुकान, और इससे भी देखेंगे ये गांव बना हुआ है, अभी वो सामने मंदिर बना हुआ है, लेकिन अभी इसका रास्ता भाई बोले हैं उस तरफ से, तो अभी देखते हैं क्या करते हैं दोस्तों। तो गाइस जैसे कि अभी हम जा रहे हैं मुंबई माता के मंदिर पे, इसको इंडिया में तो मुंबई बोलते हैं यहाँ पे, हाँ, और यहाँ पे हगत माता बोलते हैं दोस्तों। तो ये देखें मंदिर पूरा बना हुआ है यहाँ पे, हाँ ना, ये देखें गाइस सामने से। राम राम। पुजारी, पुजारी कौन है? तुम्हें पुजारी आओ ने, तो गाइस इस तरफ भी देखेंगे तो ये हमारे सारे हिंदू भाई हैं यहाँ पे, इससे इस तरफ भी देखें सारे, तो यहाँ पे हमारे जो पुजारी भाई हैं वो आ रहे हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। राम राम, क्या नाम है आपका भाई? कांजी। कांजी, अच्छा ये पुजारी आप मंदिर के आप हो जी? अच्छा तो ये जो मंदिर बनाया हुआ है अपना मुंबई माता का, ये किसने, आपने बनाया या आपने खुद ने बनाया है? वाह भाई वाह, तो ये भाई हैं। अच्छा क्या नाम, आप आपकी जाति कौन सी है? काम जी नाम है कोली जाति। कोली जाति है, अच्छा आपके कोई इंडिया में माइट वगैरह है? नहीं है, रिश्तेदार है? कौन है? चेयरमैन है। चेयरमैन, क्या नाम है उसका? आलमचंद। आलमचंद, कौन सी सिटी में रहते हैं वो? सुई गांव में रहता है। सुई गांव में,
तो गाइज ये कांजी भाई के जो रिश्तेदार हैं सुई गांव में रहते हैं, आलमचंद नाम है इनका भाई। अगर आलमचंद भाई कोई भी उनके परिवार में देख रहे हैं तो वीडियो, तो ये देखें आपके भाई हैं और आपसे मतलब राम राम बोल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये देखें सबको ये सलाम बोले और राम राम बोले दोस्तों। तो अभी हम आपको दिखाएंगे मंदिर भी दिखाएंगे दोस्तों, तो ठीक है। तो ये अपने यहाँ पे कितने भाइयों के, हिंदुओं के भाई के कितने घर होंगे तकरीबन? तकरीबन 100 घर। अच्छा 100-250 घर होंगे ऐसे ना, सारे बम्बू पे बने हुए हैं, ठीक है भाई। तो ये देखें ये पूरे घर बने हुए हैं, इस तरफ भी देखेंगे सारे बम्बू भी बने हुए हैं। अच्छा काम आप कुछ और काम वगैरह करते हो, मजदूरी वगैरह, खेती वगैरह? मजदूरी खेती कर रहे हैं। खेती करते हो, अभी खेती में क्या लगाया है? खेती में ये मिर्चे का फसल है। अच्छा मिर्चे प्याज है और कमंद वगैरह नहीं लगाई है? फूटी वगैरह कपास वगैरह? कपास है, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये देखें दोस्तों ये पूरा घर अपना जो गाँव बना हुआ है और ये मंदिर है मोहमाई माता का दोस्तों। तो अभी यहाँ पे देखें दोस्तों वो भी आपको दिखाएंगे दोस्तों मंदिर। तो गाइज अभी हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर। वाह भाई वाह, राम राम भाई, क्या नाम है आपका? किशन दास। तो गाइज ये देखें दोस्तों, वाह वाह वाह, कितना बड़ा मंदिर बना हुआ है दोस्तों मोमाई माता का दोस्तों। ये देखें और इसके साथ ये देखें दोस्तों, वाह जय श्री कृष्णा दोस्तों। अच्छा जो कृष्णा जन्माष्टमी आती है उसी पे यही मूर्तियाँ आप मतलब जो रास वगैरह करते हो, जो अपना जो जन्माष्टमी मनाते हो तो इसी पे मनाते हो मूर्तियों पे, या मिट्टी से बनाते हो? नहीं, ये लेके जाते हो मूर्तियाँ? अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे मतलब कैसे मनाया जाता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी? 26 तारीख। अच्छा अच्छा, तो भाई को अभी उर्दू आती नहीं है तो इस वजह से सिंधी में बात कर रहे हैं। उर्दू नहीं आती आपको? गुजराती आती है? गुजराती नहीं आती है। तो गाइस ये देखें यहाँ पे, ये देखें वाह वाह राधे कृष्णा, वाह भाई वाह वाह। ये देखें दोस्तों ये श्री कृष्णा की मूर्ति बनी हुई पूरी। अच्छा ये कितने की बनी होगी तकरीबन? 20,000 की ये मूर्ति। और ये 50,000 की? ये 50,000 की है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, और ये देखें गाइस, वाह भाई वाह कितना बड़ा मंदिर बना हुआ है दोस्तों। हम फर्स्ट टाइम आए थे दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये मंदिर कैसे लगा दोस्तों? हमारे जो भी व्यूअर्स हैं इंडिया से हमें देख रहे हैं दोस्तों, तो ये मोमाई माता का मंदिर बना हुआ है दोस्तों। आपको कैसा लगा प्लीज़ एक कमेंट में करके ज़रूर हमें बताना दोस्तों, ठीक है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों मंदिर, आपको कैसा लगा दोस्तों? ठीक है गाइस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। चलो कि अभी मंदिर तो देखें आप, देखें कितना प्यारा मंदिर बना हुआ है, कितना खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। और इधर इनको घर देखें दोस्तों, लेकिन किस हाल में रहते हैं फिर भी इन्होंने मंदिर देखें कैसे बनाया हुआ है दोस्तों। ये देखें यहाँ पे, तो ये धन्य है। मैं इन भाइयों को कहता हूँ कि जो इन अपने फैमिली को, हिंदू भाइयों को, जो इन्होंने इतना बड़ा मंदिर बनाया दोस्तों, ठीक है गाइज। तो आपको कैसा लगा दोस्तों ये मंदिर, अगर मैं कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, ठीक है। तो कैलाश भाई आपको कैसा लगा? भाई हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। और भाई जो ये मूर्ति मतलब जितनी बनवाई हमारे वो भगत साहब जो हमें मिले थे, धन्यवाद है उस भगत भाई को, कांजी भाई को। घर देखने का, हाँ घर कैसा बना हुआ है लेकिन मंदिर देखें यार, धन्य है भाई कांजी भाई, धन्य है आपको, वाकई में धन्य है आपको। हाँ ना ना, जय श्री राम। तो गाइस हमें कांजी भाई बोले हैं आ जाओ बैठो, चाय वगैरह आपको पिलाएं दोस्तों। देखें कितना प्यार मोहब्बत के साथ बोल रहे हैं हमें, ठीक है गाइस, बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। तो ये देखें ये घर देखें दोस्तों, ठीक है गाइस। तो ये घर बने हुए दोस्तों, ओके गाइस। तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। आप लोगों से विनती करके चलते हैं दोस्तों, हमारे वीडियो को ज़रूर कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको जो हम गाँव दिखाते हैं वो गाँव आपको कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है। और साथ में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आप जो हमारी वीडियो हो कौन सी सिटी, कौन सी कंट्री से देखते हैं दोस्तों, ठीक है। जय श्री राम दोस्तों।